मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कल के सबक में जो चीज़ बयान की गई थी, उनकी तरफ से जो मफहूम लक़ब का कौल करते थे, उन्होंने ये कहा था कि एक साल की सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो मुसन्निफ़ ने यह फरमाया था कि अहनाफ भी यही फरमाते हैं कि गुस्ल की जितनी भी सूरतें हैं वो शहवत से मुतालिक है। जहाँ जहाँ शहवत से खुरूज मनी होगा, चाहे वो आयानन हो, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हो, ज़ाहिर व बाहिर होकर, जैसे कि नींद में या जागते में, तो वहाँ मनी जो होगी वो आयानन होगी। सही है। अब मनी की दिया फिर मनी क्या होगी? दलालतन होगी। तो यहाँ पर जो है इन एक साल की जो सूरत में इंजाल से पहले जो है ख़ारिज कर लेना, तो ऐसी सूरत में यहाँ पर इल्तिकाए खतनैन, इसको ही जो सबब था मनी निकलने के, इस सबब को मुसबब के कायम मकाम कर दिया गया। क्योंकि हशफा जो है ज़कर गायब हो जाने की वजह से, और उसको सामने वाले को एहसास ना हुआ हो किल्लत मनी की वजह से, कि हो सकता है कि मनी खारिज हुई हो, इसलिए हमने इल्तिकाए खतनैन को ही सिर्फ खुरूज मनी के कायम मकाम कर दिया। तो यहाँ पर भी एक साल की वजह से गुस्ल वाजिब हुआ है, लेकिन दलालतन वाजिब हुआ है। क्या हुआ? हाँ, समझ में आ गया। और उससे एतराज़ नहीं होगा कि भाई गुस्ल तो वाजिब होता है किस में? हैद व निफास से फारिग होने की सूरत में भी। तो चूँकि हमने शहवत की शर्त लगाई है, वहाँ शहवत नहीं है, तो अगर वो चीज़ निकल भी जा रही है तो इससे हमारे ऊपर कोई ज़रर नहीं होगा। अब बयान किया इन्होंने, वला किन्नल मा अला नौएन, लेकिन मा दो किस्मों पर है। मर्रतन यकूनु अयानन, एक क्या होता है? ज़ाहिर व बाहिर होता है। बेअ़िला फ़ी नफ़सिल अमरी, इस तौर पर कि इंजाल हो जाए नफ़सुल अमर में, सोने में या बेदारी में, वती के ज़रिए या गैर वती के ज़रिए। व मर्रतन यकूनु दलालतन, और कभी मनी दलालतन होती है। बेअ़िकामा दलीलुहु, इस तौर पर के कायम मकाम कर दिया जाए, यानी युकामा दलीलुहु, यानी इक्कमा फिल इक्साल, जैसे कि इक्साल में, कि इस तौर पर के जो मनी की दलील है, और दलील क्या है? इल्तिकाउल खतनैन, यानी दो क्या है? शर्मगाहों का मिल जाना। इल्तिकाए खतनैन को मनी निकलने के कायम मकाम कर दिया गया। लिअन्नहु सबबुन, क्योंकि इल्तिकाए खतनैन ये क्या है? सबब है नुज़ूल अल्मा, खुरूज मनी का। व नफ्सु तगीबु अन बसर ही, और नफ्स ज़कर जो है निगाहों से गायब हो जाता है। व लअन्नहु लम यशउर बिही, और हो सकता है शायद इंसान को खुरूज मनी का एहसास ना हुआ हो, लिक़िल्लति, इसकी किल्लत की वजह से, और मनी खारिज हो गई हो। फ़ाक़मन सबबा मकामल मुसब्बब, तो हमने जो सबब था यानी इल्तिकाए खतनैन, इसको मुसब्बब यानी खुरूज मनी के कायम मकाम कर दिया। व औ जबनल गुस्ला अलैहि बिमुजर्रद इल्तिकाए एहतियातन, और हमने उस पर एहतियातन सिर्फ इल्तिकाए खतनैन के वजह से उस पर गुस्ल वाजिब किया। तो एक साल की सूरत में भी गुस्ल वाजिब हुआ है, और यहाँ मनी का खुरूज दलालतन हुआ है। समझ में आ गया। अब यहाँ से एक और दूसरी वजह फासिद को बयान कर रहे हैं, वजूह फासिदा का बयान है। फरमाते हैं, वल हुक्मु इदा उदीफा इला मुसम्मा हादा इब्तिदाउ वजहु सानिन, इब्तिदाउ वजहिन सानिन मिनल वजूहिल फासिदा। हुक्म जब उसकी इजाफत की जाए किसी मुसम्मा की तरफ, यानी मुसम्मा से मुराद मफहूम है, तो मफहूम वस्व या मफहूम शर्त की तरफ, हुक्म की जब इजाफत की जाए किसी मुसम्मा यानी मफहूम वस्व या मफहूम शर्त की तरफ, पहले तो ये तारीफ तर्जमा समझ लें, फिर मिसाल के ज़रिए समझाते हैं। फरमाते हैं कि हुक्म की जब इजाफत की जाए किसी मुसम्मा की तरफ, हादा इब्तिदा वजहिन सानिन, ये वजूह फासिदा में से दूसरी वजह की इब्तिदा है, दूसरी वजह की। वह हुआ यतज़म्मनु मफहूमल वस्फी व शर्ती, और ये मुश्तमिल है किसको? मुतज़म्मिन है किसको? मफहूम वस्फ को और मफहूम शर्त को। तो ये गोया के ये कह सकते हैं कि वजह फासिद का जो बयान, ये मुश्तमिल है किस पर? मफहूम वस्फ और मफहूम शर्त पर।
इमाम शाफी ये फरमाते हैं अन्नल हुक्मा इदा उसनिदा इला शैन, हुक्म की जब इसनाद की जाए किसी ऐसी चीज़ की तरफ, मौसूफिन बे वस्फिन खास, जो क्या हो, एक ख़ास वस्फ के साथ मुत्तसिब हो, औ अल्लाका बे शर्तिन, हुक्म की जब इसनाद की जाए किसी ऐसी शय की तरफ जो मौसूफ हो किसी वस्फ ख़ास के साथ, औ अल्लाका बे शर्तिन, या क्या हो, मुअल्लक हो किसी शर्त के साथ, काना दलीलन आला नफी, तो ये दलील होगा हुक्म की नफी पर। अब क्या कहते हैं, ऐ काना कुल्लुम मिनल वस्फी व तालीक, यानी वस्फ और तालीक में से हर एक, दालन अला नफील हुक्म, ये हुक्म की नफी पर दलालत करेगा, इंदा अदमिल वस्फ अविशर्त, अदमे वस्फ या अदमे शर्त के वक्त, यानी हुक्म की जब इजाफत की जाए, इसनाद की जाए किसी ऐसी चीज़ की तरफ जो मौसूफ हो किसी वस्फ के खस्फ ख़ास के साथ या मुअल्लक हो किसी शर्त के साथ, तो वो दलालत करेगा हुक्म की नफी पर। अगर वो वस्फ पाया जा रहा है तब तो वस्फ पर दलालत होगी, और शर्त पाया जा रहा है तो शर्त पर दलालत होगी। अब कैसे, देखिए यहाँ पर, यानी ये दो मिसालें यहाँ पर हैं, एक मुअल्लक बिशर्त और एक क्या हो, वस्फ के साथ हो। अगर शर्त पाई जाएगी तो हुक्म पाया जाएगा, और वस्फ अगर मौजूद है तो फिर ऐसी सूरत में उस वस्फ पर अमल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कुरान पाक में इरशाद है, वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनात फमिम्मा मलकत अईमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात, तौल तौले हुर्रा, वमन लम यस्तति मिनकुम, ये शर्त है, जो तुम में से तौले हुर्रा आज़ाद मोमिना औरत से निकाह की ताकत ना रखता हो। तो इमाम शाफी ये कहते हैं कि सबसे पहले तो ये कि अगर आज़ाद मोमिना औरत से निकाह की ताकत है तो बांदी से निकाह नहीं कर सकता, सही है। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन आयन के हल मुहसनातिल मोमिनात, ये क्योंकि कुरान पाक में शर्त लगा दी गई, मन जो तुम में से ताकत ना रखता हो किसके, तौलन अयन के हल मुहसनातिल मोमिनात, मोमिना आज़ाद औरत से निकाह की ताकत ना रखता हो, पहले तो ये है कि अगर वो ताकत रखता है तो क्या हो जाएगा, हुक्म की नफी हो जाएगी, सही है। क्या कहा इन्होंने कि जब मुअल्लक हो किसी शर्त के साथ तो ये दलील होगा हुक्म की नफी करने पर, तो जब ये मुअल्लक है शर्त के साथ कि जो ताकत ना रखता हो, अगर ताकत रखता हो तो ना किसी भी बांदी से निकाह नहीं करेगा, ना तो किताबिया से निकाह करेगा और ना मोमिना बांदी से निकाह करेगा, क्यों, क्योंकि ऐसी सूरत में आज़ाद औरत को मर्तबा हासिल है बांदी पर। अब बांदी से अगर निकाह करता आज़ाद औरत के होते हुए तो उसको जिल्लत जिल्लत में डालना है, हाँ बांदी निकाह में है कोई किताबिया तो आप आज़ाद पर को तरजीह दे सकते हैं। तो अब कहते हैं कि देखिए यहाँ शर्त लगा दी गई, और मुअल्लक बिशर्त क्या होता है, शर्त के पाए जाने के वक्त मादा से हुक्म की नफी कर देगा। तो अब कहते हैं अगर ये पाया गया जो आज़ाद औरत से निकाह की ताकत रखता हो तो वो बांदी से निकाह ना करे, सही है। तो कहते हैं जो मुअल्लक बिशर्त हो ये दलील होगा हुक्म की नफी करने पर, अदमे वस्फ अदमे शर्त के वक्त, सही है, अदमे वस्फ अब नहीं पाया गया तो अब कहते हैं देखिए, और अगर आज़ाद औरत से निकाह की ताकत ना हो तो भी वहां पर ये फिर आगे वस्फ बयान किया गया कुरान पाक में, फमिम्मा मलकत अईमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मोमिनात,
और जो तुम में से ताकत ना रखता हो तो चाहिए कि निकाह करे उससे जिनके तुम मालिक हो, मिन फतयातिकुमुल मोमिनात, ऐसी औरतें लड़कियां जो मोमिना हो, ऐसी बांदियां क्या हो, जो यहां सिफत लगा दी गई कैसी मोमिना। तो अब देखिए कि मुअल्लक बिशर्त, अगर शर्त पाई जाएगी तो फिर हुक्म पाया जाएगा, सही है नहीं। यानी क्या मतलब, अगर वो आजाद है मोमिना है तो निकाह करे, और अगर ना हो तो वस्प की सूरत में। अब वस्प देखें, वस्प कैसा गया, फतयातिकुमुल मोमिनात, फतयात की जो वस्प बयान किया गया क्या मोमिना, लिहाजा किताबिया से उनके नजदीक निकाह नहीं हो सकता, किताबिया से निकाह नहीं हो सकता। तो इन्होंने ये कहा था कि वस्प और तालिक में से हर एक दलालत करता है हुक्म की नफी पर, वस्प अदमे वस्प अदमे शर्त के वक्त, सही है नहीं। अब जरा इसको आगे को देखें, फरमाते इंद शाफी, इमाम शाफी के नजदीक, हमारे नजदीक जो है ना वो कुछ भी नहीं है, चाहे आजाद औरत से निकाह की कुदरत हो या कुदरत ना हो, बांदी से निकाह करना जायज है हमारे नजदीक, बांदी मुसलमान हो या बांदी क्या हो किताबिया हो, सही है नहीं। अब कह रहे हत्ता लम युजव्विज निकाहल अमती, यहां तक के उन्होंने बांदी से निकाह को जायज करार नहीं दिया, इंदा तौलिल हुर्रती, तौल से मुराद कुदरत, आजाद औरत से निकाह पर कुदरत के मौजूद होते वक्त, क्यों क्या हुआ, मुअल्लक बिशर्त, शर्त के पाए जाने के वक्त हुक्म की नफी कर देगा दूसरों से, तो यहां मुअल्लक शर्त पाई जा रही है क्या, तौले हुर्रा पर कुदरत है उसे, तो क्या हो जाएगा, निकाह बांदी से नहीं कर सकता, मोमिना से भी नहीं कर सकता, तौले हुर्रा ना पाए जाए तो निकाह कर सकता है बांदी से, वो भी कैसी होनी चाहिए, मोमिना होनी चाहिए, सही है। अब वस्प के पाए जाने के वक्त, वस्प के पाए जाने के वक्त हुक्म की नफी कर देगा मादा से, हाँ किताबिया से नहीं कर सकता। तो इसी वजह से इमाम शाफी ने बांदी से निकाह को जायज करार नहीं दिया, किस वक्त, इन द तौलिल हुर्रा, आजाद औरत से निकाह पर कुदरत के वक्त, व निकाहुल अमतिल किताबिया, व निकाहुल अमतिल किताबिया, और निकाहल अमतिल किताबिया, और किताबिया बांदी से निकाह को जायज करार नहीं दिया, ले फवाति शर्ती वल वस्पी अल मस्कूरैनी फिर नस्सी, शर्त और वस्प के फौत होने की वजह से जो नस में क्या है मौजूद है, नस में क्या मौजूद है, मोमिना की कैद लगी हुई है नहीं। तो इन्होंने कहा क्या, जब अदमे शर्त अदमे वस्प के वक्त हुक्म की नफी हो जाएगी, क्या मतलब, अदमे शर्त नहीं पाई गई, तौले हुर्रा नहीं पाई गई, तो फिर दूसरी सूरत में ये हुक्म है कि मोमिना से निकाह करे, और अगर ना हो ये भी तो हुक्म की नफी हो जाएगी, किताबिया से निकाह नहीं कर सकता, समझ में आ गया, बांदी निकाह किताबिया बांदी से निकाह को जायज करार नहीं दिया है, आदमे शर्त शर्त और वस्प के फौत होने की वजह से जो नस में मस्कूर है, और वो क्या है नस, अल्लाह ताला के इरशाद, वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन, और जो तुम में से कुदरत ना रखे, किसकी, अयन के हल मुहसनात, मुहसनात से मुराद आज़ाद बोल दीजिए, आज़ाद मोमिना औरतों से निकाह की ताकत ना रखे, फमिम्मा मलकत अईमानुकुम, तो उसमें से जिनके तुम क्या हो बांदियों के मालिक हो, यानी मिन फतयातिकुमुल मोमिनात, मोमिना बांदियों से क्या करो तुम निकाह करो, या अईमान से मुराद क्या है, अई मिन मन लम यस्तति मिन, वजाहत कर रहे हैं, यानी जो तुम में से ताकत ना रखते, ज्यादतन फिल माल, माल में ज्यादती ना रखता हो, व कुदरतन और कुदरत ना रखे, किसकी, कि मोमिना आजाद से निकाह करने की, भाई मोमिना आजाद होगी तो उसके लिए माल भी ज्यादा चाहिए, कुदरत भी चाहिए, क्योंकि उसके लिए नानो नफका भी अच्छा वाला चाहिए, ले अजली ज्यादती महरी हिन्ना, क्योंकि उनके महर के ज्यादा होने की वजह से,
وَنَفْقَتِهِنَّ فِي مُعَاشِهِنَّ, اور ان کے گزارے میں ان کے نفقے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر تم طاقت نہیں رکھتے ہو, فَلْيُنْكِحْ مَمْلُوكَتَ مِنْ مَمْلُوكَاتِ اَيْمَانِكُمْ, تو چاہیے کہ نکاح کرے کس سے؟ اپنی مملوکہ باندیوں میں سے, کسی باندی سے. سمجھ آیا؟ یہ ایمان جو لفظ آیا اس سے مراد ایمان اخوانکم, اپنی باندیوں سے نکاح نہ کرے, اپنے بھائی کی باندیوں سے نکاح کرے. کیا کرے؟ ہاں, کیونکہ اپنی باندی سے نکاح کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے, وہ تو ویسے ہی حلال ہے اس کے لیے, تو نکاح کر کے کیا کرے گا. تو یہاں ایمان سے مراد ایمان اخوانکم. سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں تو چاہیے کہ وہ نکاح کرے اپنی بھائیوں کی باندیوں میں سے کسی باندی سے. اذ لا یجوز نکاح امۃ اسلم من امائکم المؤمنات, کیونکہ مومنہ باندیوں میں سے اپنی باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. فاللہ تعالیٰ قد نسا, تو اللہ تعالیٰ نے صراحت کر دی اس بات پر کہ ان لم یستطل حرتا, کہ اگر تم حرہ سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہو, فلینکح امتن, تو چاہیے کیسے؟ باندی سے نکاح کرو. اور ثم قید الامتا بالمؤمنہ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اما کو کس سے مقید کیا؟ مومنہ کی قید سے. تو دیکھیے مومنہ کی جو قید ہے وہ وصف والی صورت ہے, اور من لم یستطی والی جو صورت ہے یہ شرط والی ہے. تو کیا ہوگا جب حکم کی اسناد کی جائے کسی شرط کی طرف, تو معلق بالشرط ہو یا معلق کیا ہو وصف کے ساتھ ہو, تو شرط پائے جانے کے وقت حکم پایا جائے گا, اور عدم شرط اور عدم وصف کے وقت حکم کی نفی ہو جائے گی. صحیح ہے نہیں؟ کہتے ہیں فلو عملنا بالوصف والشرط جميعا, اگر ہم وصف اور شرط دونوں پر عمل کریں, حکمنا, تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ انا طول الحرتی مانعون للامتی, کہ طول حرہ کیا مطلب؟ آزاد عورت سے نکاح کی طاقت رکھنا مانعون للامتی, یہ کیا ہے؟ باندی سے نکاح کرنے کے لیے کیا ہے؟ مانع ہے. وان الامت الکتابیہ ایزن, اور کتابیہ باندھی بھی, لا یجوز نکاح ہوا للمؤمن, مومن کے لیے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, معلوم تصر مومنتن, جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ کیوں؟ وصف نا, اور وصف کیا ہے؟ کیا انہوں نے ہاں مومنہ کی قید لگائی تھی, اور حکم کیا ہوگا؟ ثابت ہوگا کب؟ وصف کے پائے جانے کے وقت, اور عدم وصف کے وقت حکم کی کیا ہو جائے گی؟ نفی ہو جائے گی. وَإِنْدَنَا جَازَ نِكَاحُ الْأَمَتِ الْكِتَابِيَةِ, اور ہمارے نزدیک باندی سے نکاح کرنا جائز ہے, چاہے کتابیہ ہو مومنہ. الا طول الحرہ وعدمہ جميعا, حرہ پر نکاح کی طاقت ہو وعدمہ یا طاقت نہ ہو, دونوں صورتوں میں ہمارے نزدیک یہ ہے ہی نہیں. کیا جب کسی چیز کی اسناد کی جائے کسی ایسی چیز کی طرف جو موصوف ہو کسی وصف کے ساتھ یا شرط کے ساتھ, تو وصف و شرط کے وقت حکم پایا جائے گا, اور وصف و شرط کے فوت ہونے کے وقت کیا ہو حکم کی نفی ہو جائے گی. ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے. ہمارے نزدیک اگر طول حرہ ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا, نکاح کر لے کوئی سی باندی سے, اور مومنہ نہیں ہے تو کتابیہ سے بھی نکاح کر لے جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتی ہو. تو ہمارے نزدیک کیا ہے, نکاح کرنا جائز ہے باندی سے, کتابیہ اور مومنہ سے. الا طول الحرتی وعدمی جميعا, حرہ کے نکاح پر قدرت ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں پر. سننا گیا؟ اب یہاں سے ایک چیز اور بیان کریں گے. دو چیزیں امام شافعی نے بیان کی ہیں, وصف کو انہوں نے شرط کے ساتھ لاحق کر دیا, وصف کو صاحب لاحق کر دیا ہے, یعنی جس طرح انہوں نے کہا کہ شرط یہ حکم کو واجب کرنے والی ہوتی ہے, حکم کو واجب کرنے والی ہوتی ہے حکم کے پائے جانے کے وقت, اور واجب کرنے والی نہیں ہوگی حکم کے پائے جانے کے وقت عدم حکم کے وقت.
इसी तरह उन्होंने कहा कि वस्फ भी इसी तरह से है, शर्त की तरह है। तो गोया के उन्होंने कहा कि वस्फ ये शर्त की तरह है, शर्त पाई जाएगी तो हुक्म पाया जाएगा और शर्त नहीं पाई जाएगी तो हुक्म नहीं पाया जाएगा। इसी तरह वस्फ भी कहा गोया के हुक्म किसकी तरह है, शर्त की तरह है। मिसाल के तौर पर किसी ने ये कहा अपनी औरत से, अंति तालिकुन राखी बतन, तुझे इस तलाक है सवार होने की हालत में। अब ये कोई कहेगा तार राकिबा ये सिफत है कहाँ, ये तो हाल है, सही है नहीं? तो इन्होंने ये कहा कि अगरचे हाल है लेकिन हाल भी जो होता है सिफत के माना में होता है। यहाँ हाल से नहवी हाल मुराद नहीं है बल्कि ये है जो कायम बिल गैर हो, चाहे वो नहवी हाल हो या ना हो, सही है। तो इन्होंने कहा अंति तालिकुन राकिबतन, ये तालिक की क्या है, सिफत है, तुझे तलाक है किस वक्त, सवार होने की हालत में। तो गोया के उसने ये कहा अंति तालिकुन इन कुंती राखी वतन, तुझे तलाक है इन कुंती राखी वतन अगर तू सवार हुई, क्योंकि इन्होंने क्या कहा वस्व जो है वो शर्त की तरह है, मुअल्लक भी शर्त की तरह है और शर्त पाई जाएगी तो हुक्म पाया जाएगा। इसी तरह गोया के वस्व पाया जाएगा तो हुक्म पाया जाएगा। तो देखिए अंति तालिकुन राकी वतन में ये राकी वतन वस्फ है, सिफत है, तो ये पूरा जुमला उसी तरह हो गया जैसे शर्त की तरह, अंति तालिकुन इन कुंती राकी वतन की तरह। लेकिन हाँ सबब पाया जाएगा, सबब क्या है, अंति तालिकुन, अंति तालिकुन ये सबब तो बाकी है, ये नहीं फिरेगा भाई। अगर इन कुंती राकी वतन नहीं होता तो बताइए तलाक पड़ती कि नहीं पड़ती है। अंति तालिकुन तुझे तलाक है इन कुंती राकी वतन, मुअल्लक बिशर्त कर दिया इसे। अब मुअल्लक बिशर्त का मतलब यह हुआ कि अगर वो सवार होगी तो तलाक हुक्म वाकई होगा, सही है नहीं, और अगर नहीं सवार होगी तो हुक्म वाकई, हाँ तो सबब जो है बाकी है यहां पर फिलहाल। अब एक चीज और यहां पर बयान करते हैं, देखिए हासिल हूँ इमाम शाफ़ी के जो कलाम का हासिल ये है कि हासिल हूँ मा कालहु शाफ़ी, उसका हासिल जिसको इमाम शाफ़ी ने फरमाया शैआन, दो चीज़ें, क्या अलअव्वलु अन्नहु अलहक़ल वस्फ़ा बिशर्त, कि उन्होंने वस्फ़ को किससे लाहिक कर दिया है, शर्त के साथ लाहिक कर दिया, फ़ी कौन ही मोजिबन लिल हुक्म, इस बारे में कि शर्त जो है वो हुक्म को वाजिब करने वाली होती है, इंदा वजूद ही, क्या है यानी इसके पाए जाने के वक्त, सही है, हुक्म को वाजिब करने वाली होती है वो शर्त के पाए जाने के वक्त, वइंदा वगैरह मूजिबी इंदा आदमी, और क्या होती है शर्त, हुक्म को वाजिब करने वाली नहीं होती है शर्त के ना पाए जाने के वक्त, सही है नहीं, फातश शर्त फातल मशरूत, सही है। अला तरा, क्या आप नहीं देखते, अन्नहु मन काला लिमराती, कि जिसने अपनी औरत से कहा अंति तालिकुन राकी वतन, ये सिफत है राकी वतन कि तुझे तलाक है सवार होने की हालत, फकान्नहु काल, तो गोया के उसने कहा इन कुंती राकी वतन, गोया के तुझे अगर तू सवार है तो कहा, जिस तरह तलाक ये मौकूफ है रुकूब पर शर्त की सूरत में, इसी तरह तलाक मौकूफ होगी वस्फ की सूरत में। दूसरी सूरत और बयान करेंगे आगे, वक्त हो गया। सल्लु अलैहि।